वेलकम टू बिग ऑटो। आशा करता हूँ घर में सभी अच्छे। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग एक ऑफ रोड व्हीकल लेने के लिए सोच रहे थे। आज बात करेंगे मारुति सुजुकी ब्रांड न्यू लॉन्च मारुति सुजुकी जिम्नी के बारे में, जिनमें कौन सा वेरियंट है और उस वेरियंट में कंपनी क्या क्या फीचर्स ऑफर करता है। और अगर आप जिम्नी लेने के बारे में सोच रहे हो, आपको जिम्नी का कौन सा ब्रांड कंसिडर करना चाहिए और उस वेरियंट में क्या क्या फीचर्स मिलता है, ये सब कुछ आज जानेंगे इसी वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं शिवन, आप देखते रहिए पिंग वाला। तो मारुति सुजुकी जिम्नी में आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 105 पीएस एंड मैक्सिमम टॉर्क 134 एनएम विद 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसमें आपको 16.94 केएमपीएल का माइलेज मिल जाएगा एंड 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, जिसमें कंपनी क्लेम करता है 16.39 केएमपीएल का। अगर हम लोग मारुति सुजुकी जिम्नी की डायमेंशन की बात करें, गाड़ी की ओवरऑल लेंथ है 3985 mm, विथ है 1645 mm, हाइट है 1720 mm, व्हील बेस है 2590 mm एंड इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है 210 mm। क्योंकि ये ऑफ रोड व्हीकल है, इसमें आपको एपर्चर और डिपर्चर एंगल काफ़ी शानदार मिल जाता है। इस गाड़ी का एपर्चर एंगल है 36 डिग्री एंड डिपर्चर एंगल है 47 डिग्री। मारुति सुजुकी जिम्नी आपको दो वेरिएंट में प्रोवाइड किया गया है, जीटा एंड अल्फा, और अल्फा वेरिएंट में आपको डुअल टोन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं गाड़ी का स्टार्टिंग मॉडल जीटा में कंपनी क्या क्या फीचर्स ऑफर करता है। जीटा वेरिएंट की प्राइस स्टार्ट होता है 12,74,000 फॉर मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिकली आपको पेमेंट करना होगा 13,94,000। जीटा वेरिएंट में आपको सेफ्टी में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स एबीएस, ईबीडी और दो एयरबैग के अलावा भी आपको साइड कर्टन्स, एयरबैग, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट प्रिटेंशन विद लोड लिमिटर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल्स, आईसोफिक्स, चाइल्ड सीट, ये सब छोड़ के भी आपको डे नाइट आईआरवीएम, रियर वॉशर, डिफॉगर एंड वाइपर जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाएगा। अगर हम लोग जीटा वेरिएंट में फंक्शनल फीचर्स की बात करें, आपको इस वेरिएंट में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम, ऑल पावर विंडो इंक्लूडिंग ड्राइवर साइड वन टच अप एंड डाउन विंडो, टिल्ट स्टीयरिंग व्हील, रियर पावर आउटलेट, रिमोट सेंटर लॉकिंग, ऑल एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 7-inch टच स्क्रीन विथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, 4 स्पीकर, ये सब छोड़ के भी आपको कुछ बेसिक फीचर्स में फ्रंट एंड रियर टोइंग हुक, रियर रूफ रेल एंड केविन लैम जैसे फीचर्स मिल जाएगा। अगर हम स्टाइल रिलेटेड एंड अदर्स फीचर्स की बात करें, आपको जीटा वेरिएंट में आपको ब्लैक कलर में डोर हैंडल मिल जाएगा, ऑल अराउंड क्लाइडिंग जो ऑफ रोडिंग कार में काफ़ी बेहतरीन लगता है, और बूट माउंटेड स्पेयर व्हील और 15 इंचेस का स्टील व्हील, जिसका डिजाइन काफ़ी बेहतरीन है, स्पेशली इस ऑफ रोडर व्हीकल में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। अगर हम लोग जीटा वेरिएंट में मिसिंग फीचर्स की बात करें, आपको इस गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी, क्रूज कंट्रोल, और क्योंकि ये ऑफ रोडर व्हीकल है तो इसमें कंपनी हेडलाइट वॉशर भी प्रोवाइड कर सकता था। चलिए अब देख लेते हैं अल्फा वेरिएंट में कंपनी क्या क्या फीचर्स ऑफर करता है। अल्फा वेरिएंट का प्राइस स्टार्ट होता है 13,69,000 से फॉर मैनुअल ट्रांसमिशन, और ऑटोमेटिकली आपको पेमेंट करना होगा 14,89,000। चलिए फीचर्स देख लेते हैं। अल्फा वेरिएंट में जीटा वेरिएंट के सारे फीचर्स के अलावा जो एडऑन फीचर्स मिलता है, वो सेफ्टी में आपको एलईडी प्रोजेक्टर, हेडलैम्प, फॉग लैम्प, और फंक्शनल फीचर्स में आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ओआरवीएम, ऑटो हेडलैम्प, हेडलैम्प वॉशर, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी, 9-inch टच स्क्रीन एंड एल्केमिस साउंड सिस्टम। और स्टाइल रिलेटेड एंड अदर फीचर्स में आपको बॉडी कलर, डोर हैंडल, 15 inches अलॉय व्हील्स और लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील जैसे फीचर्स मिल जाएगा। चलिए अब मारुति सुजुकी जिम्नी का प्रो ऑप्शन देख लेते हैं। जिम्नी आपको 5 कलर में प्रोवाइड किया गया है, रेड, ग्रे, ब्लू, नेक्सा ब्लू एंड वाइट कलर।
इसमें आपको रेड एंड नियॉन कलर में आपको डुअल टोन का ऑप्शन मिल जाएगा विद ब्लैक रूफ, जो देखने में काफी बेहतरीन लग रहा है। अगर हम लोग मारुति सुजुकी जिम्नी, जीटा एंड अल्फा दोनों वेरिएंट की बैलेंस करने की कोशिश करें, दोनों वेरिएंट काफी बेहतरीन है। जीटा वेरिएंट से अल्फा वेरिएंट का प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, डिफरेंस आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। पर मेरा मानना ये है, अगर आप जिम्नी को सिटी यूज के लिए कंसिडर करते हो तो आपको टॉप वेरिएंट में जाना चाहिए, और अगर आप हार्डकोर ऑफ रोडिंग करना ज़्यादा पसंद करते हो उसमें आपको बेस वेरिएंट जीटा वेरिएंट ही काफ़ी बेहतरीन रहेगा, क्योंकि इसमें आपको स्टील व्हील प्रोवाइड किया गया है जो ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी बेहतरीन रहता है। पर एक ही प्रॉब्लम है, इसमें आपको हेडलैम्प वॉशर नहीं मिलेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो एंड करने से पहले थैंक्स टू मारुति सुजुकी नेक्सा बड़ानगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस कार। आपको अगर नेक्सा की कोई भी प्रोडक्ट की जरूरत हो, मैं शोरूम की सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग एंड ऑटोमोबाइल अपडेट देखने के लिए प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब बेंगाल ऑटो। थैंक यू सो मच।